हेलो गाइस, कैसे हो? आज हम क्या करेंगे? आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देख लेते हैं। राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो ए में क्या है? 24। तो 24 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, 1 × 24। अब 24 को हम लिख सकते हैं, 1 के बाद 2 आता है, 2 × 12। 24 को हम लिख सकते हैं क्या? देखो, 3 × 8। 24 को हम लिख सकते हैं 4 × 6। देखो, मैं क्या कर रही हूँ, 1 2 3 4 ऐसे करके ले रही हूँ, जिसमें एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा। वो नंबर छोड़ के दूसरे नंबर में जाऊंगी। जैसे देखो, अब 5 आ रहा है 4 के बाद, लेकिन क्या होगा, 5 से 24 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करूंगी, उसको छोड़ दूंगी। तो उसके बाद क्या आएगा, देखो 6 आएगा। तो 6 आएगा तो 24 को मैं क्या लिखूंगी, 24 6 × 4 लिखूंगी। लेकिन देखो, ए तो मैंने ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसलिए और नहीं लिखूंगी, क्योंकि और जो भी लिखूंगी वो जो मैं लिख चुकी हूँ वही रिपीट होके आएगा। तब आंसर लाइन क्या होगा, द फैक्टर्स ऑफ 24 आर क्या होगा, देखो 1 2 3 4, उसके बाद क्या, 6 8 12 24। देखो, ऐसे आओगे ऐसे जाओगे, तो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे, वो दिखने में भी अच्छा लगेगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा। चलो नेक्स्ट क्या है, देखो 15। 15 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 15। 15 को हम, 1 के बाद 2 आ रहा है, देखो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है 15, इसलिए 3 में ट्राई करेंगे, 3 × 5 15, 3 × 5। अब देखो, 4 में नहीं होगा, फिर से 5 × 3 होगा, मैंने ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। तो 15 का फैक्टर्स क्या है, 1 3 5 15, ए 4 फैक्टर है, ठीक है। अब देखो 21, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 × 21। 21 के हम लिख सकते हैं, 2 से नहीं डिवाइड होगा, एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 3 × 7। अब देखो 4 5 से नहीं होगा, फिर से 7 से होगा, तो ऑलरेडी मैंने लिख चुकी हूँ, इसलिए 21 का फैक्टर क्या क्या है, देखो 1 3 7 21। अब जब एग्जाम में तुम लिखोगे तो क्या लिखोगे, एक लाइन लिखोगे, द ऑल फैक्टर्स ऑफ 21 आर, जैसे मैंने फर्स्ट वन में लिखा, द फैक्टर्स ऑफ 24 आर, ऐसे करके टाइम लगेगा, इसलिए जस्ट मैं एरो देके ऑल फैक्टर्स लिख रही हूँ, ठीक है। लेकिन अब कैसे लिखोगे, ऑल फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर आर, ऐसे करके लिखोगे। चलो नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, 27। 27 को 1 × 27 हम लिख सकते हैं। अब देखो 27 को हम 2 से नहीं डिवाइड होगा, 3 × 9 लिख सकते हैं, इसके बाद क्या होगा, 9 × 3, जो मैंने ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, इसलिए 27 का फैक्टर क्या होगा, 4 फैक्टर, 1 3 9 and 27। नेक्स्ट क्या है देखो, 12। 12 को हम 1 × 12 लिख सकते हैं। 12 को हम 2 × 6 लिख सकते हैं। 12 को हम 3 × 4 लिख सकते हैं। अब क्या है, 12 को हम 3 के बाद 4 आएगा, 4 × 3 फिर से रिपीट होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो 12 का फैक्टर क्या क्या मिला हमें, 1 2 3 4 6 and 12। नेक्स्ट क्या है देखो, 20। 20 को हम 1 × 20 लिख सकते हैं। 20 को 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 × 10 लिख सकते हैं। 20 को हम 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 4 4 × 5 लिख सकते हैं। 20 को फिर से क्या लिखना पड़ेगा, 5 5 × 4 होगा, रिपीट होना स्टार्ट कर दिया, इसलिए और नहीं लिखेंगे। तो 20 का फैक्टर क्या हुआ, देखो 1 2 4 5 10 and 20। अब देखो 18, 18 को हम क्या, 1 × 18 लिख सकते हैं। 18 को हम 2 × 9 लिख सकते हैं। 18 को हम 3 × 6 लिख सकते हैं।
अब देखो फोर से नहीं डिवाइड होगा, फाइव से नहीं डिवाइड होगा, सिक्स से होगा। लेकिन सिक्स क्या होगा, सिक्स इंटू थ्री जो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, इसलिए क्या वही रिपीट होके आएगा। तो 18 का फैक्टर क्या है, देखो 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखो 23, 23 को हम 1 into 23 लिख सकते हैं और कुछ भी नहीं होगा, 23 एक प्राइम नंबर है। तो 23 का फैक्टर क्या है 1 एंड 23। नेक्स्ट क्या है देखो 36, इसको हम 36 1 into 36 लिख सकते हैं, 36 को हम 1 के बाद 2, 2 into 18 लिख सकते हैं, 36 को हम 3 into 12 लिख सकते हैं, 36 को हम 4 into 9 लिख सकते हैं, 36 को हम 6 into 6 लिख सकते हैं। एक्चुअली ये ना हमने वो जो थियोरी पोर्शन का वीडियो था उसमें एग्जांपल में 3 में था इस टाइप का, उसमें क्या था मल्टीपल था, ठीक है, और इसमें क्या है फैक्टर है, सेम ही है, 36 था। तो चलो अब क्या है इसका फैक्टर लिख लेते हैं। देखो 6 रिपीट हो गया तो फैक्टर क्या होगा, फैक्टर ऑफ 36 सेम ही क्वेश्चन था, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, राइट 5 मल्टीपल ऑफ 5, 8 एंड 9। अब मल्टीपल 5 मल्टीपल, एक चीज देखो फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट फर्स्ट मतलब क्या, तो तुम्हें 1 से स्टार्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, ए पावर 5 नंबर से तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा गिवेन नंबर को। तो चलो एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5 into 1, 5, 5 into 2, 10, 5 into 3, 15, 5 into 4, 20, 5 into 5, 25। तो आंसर कैसे लिखोगे, देखो द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 आर 5, 10, 15, 20 एंड 25। नेक्स्ट क्या है देखो 8, 8 का फर्स्ट 5, तो 8 को 1, 2, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो 8 का फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या है, देखो तुम ऐसे लिख लेना फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 8 इक्वल टू, ठीक है, तो क्या 8, 16, 24, 32 एंड 40। अब देखो 9, 9 का क्या है, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। अब देखो 9 का फर्स्ट 5 मल्टीपल क्या है, 9, 18, 27, 36 एंड 45। एक लाइन लिख लेना, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 9 आर, ऐसे बोल के लिखना, ठीक है। तो चलो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मैचिंग है, एक मैचिंग है, कलम है, कलम 2 में कुछ लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है चलो देख लेते हैं। मैच द आइटम्स इन कलम 1 विथ द आइटम्स इन कलम 2। देखो फर्स्ट क्या है 35, इसमें ऑप्शन क्या है इसके लिए, मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, रुको मल्टीपल ऑफ 7, देखो हम 35 को 5 into 7 लिख सकते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 7 हो रहा है, हो रहा है, तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन, देखो ये 1 है, 1 का क्या लिखेंगे, देखो ए बी बी ऐसे लिखो, और तुम लिख सकते हो ऐसे करके 35 मल्टीपल ऑफ 7, ये पूरा लाइन ही लिख सकते हो, ठीक है। अब 2, 2 देखो 15 है, अब ऑप्शन देखो मल्टीपल ऑफ 8, ये तो छोड़ दो, ये तो हो गया कंप्लीट हो गया। अब देखो मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20, ये तुम्हें मिला है,
तो 15 क्या होगा? देखो इसमें एक ऑप्शन है फैक्टर ऑफ 30, तो 30 को तुम कैसे लिख सकते हो? देखो 2 × 15 लिख सकते हो, तो 30 का फैक्टर 15 हो रहा है, हो रहा है, तो 2 का आंसर क्या होगा? देखो फैक्टर ऑफ 30 डी होगा, तो डी। तो ऐसे तुम ऐसे भी लिख सकते हो 15 फैक्टर ऑफ 30। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है देखो 3, 3 में 16 है, तो ऐसे 3 लिखो 16, 16 मल्टीपल ऑफ 8 फर्स्ट ऑप्शन है। देखो हम 16 को 8 × 2 लिख सकते हैं, तो मल्टीपल ऑफ 8 हो रहा है, तो 3 क्या होगा? देखो 3A होगा, तो इसको लिखो कैसे लिखोगे? 16 मल्टीपल ऑफ 8। जैसे तुम ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो, ये पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ये पूरा सेंटेंस, टाइम है तो लिख लेना, तो टीचर को क्या पता चल जाएगा वो ये बोल रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन नहीं देखने का जरूरी है, उन्होंने राइट साइन दे के चले जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? देखो तो देखो हमारा ए ऑप्शन भी क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 20, 20 के लिए क्या ऑप्शन है? देखो मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 50, फैक्टर ऑफ 20। देखो नंबर इटसेल्फ क्या होगा? कोई भी नंबर, उस नंबर का फैक्टर भी है, उस नंबर का मल्टीपल भी है, तो हमें मिला है फैक्टर ऑफ 20, तो लिखो 4 के लिए क्या होगा? एफ होगा, तो 20 फैक्टर ऑफ 20। ओके नेक्स्ट क्या है? 5, 25। देखो ए कंप्लीट हो गया, तो हमें और क्या क्या है? पहले क्या था? देखो इसमें राइट साइड में एक एक्स्ट्रा दिया हुआ है, क्योंकि पहले क्या करते थे, जो रह गया वो उसके साथ हम जोड़ देते थे, लेकिन अभी क्या क्या, दो ऑप्शन दिया है, उसमें से एक कौन सा है तुम्हें चूज करना है। देखो 25 और ऑप्शन क्या है? फैक्टर ऑफ 50 एंड क्या है? मल्टीपल ऑफ 70 ए है, ठीक है, तो 25 फैक्टर ऑफ 50 होगा, 25 × 50 होता है, तो क्या होगा? भी होगा ई, ठीक है, 5 होगा ई, ए क्या है? 25 फैक्टर ऑफ 50, ठीक है, तो ए हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्या है? जैसे देखो ऐसे 35 किसके साथ? 1B हो रहा है, ऐसे करके मत करो, ऐसे करके मत करो, तो ऐसे 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 करके बहुत मेस हो जाएगा, वो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता है और एग्जामिनर का मूड उधर ही खराब हो जाता है, नंबर कम ही मिलेगा, कोई भी थोड़ा सा भूल हो गया तो उन्होंने क्या करेंगे, वो कट करने का मूड हो जाएगा, इसलिए क्लियरली लिखो 1B 2D ऐसे करके लिखो। और एक चीज है, देखो एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हें मिलेगा, ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। फाइंड ऑल द मल्टीपल ऑफ 9 up to 100। तो 9 का मल्टीपल तुम्हें लिखना है कितना? up to 100, तो मल्टीपल जो होगा 100 से कम होगा, 100 हो जाए तो अच्छा, तो चलो लिख लेते हैं। देखो 9 और 1 क्या होता है? 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 9 4 = 45, 9 6 = 54, 9 7 = 63, 9 8 = 72, 9 9 = 81, 9 10 = 90, 9 11 = 99। उसके बाद क्या आएगा? 9 12 108, जो 100 से ऊपर है, इसलिए ए नहीं होगा, ठीक है। अब क्या है तुम्हें लिखना है? ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 up to 100 इक्वल टू बोल के 9 18 करके डट डट करके up to 99 होगा, ये लिख लेना, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया, इसके साथ एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.2 के लिए थ्योरी पोर्शन हम
कवर करेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।